Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे कि क्वींस एप्पल्स है जिसको आप कश्मीरी में बमसूट कहते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। इनको उर्दू में बही फल या फिर सफ़रजल भी कहते हैं और ये काफ़ी अच्छे टेस्ट के होते हैं। हमने यहाँ पे प्लेन वेजिटेरियन तरीके से बनाया है मगर आप इसमें मटन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं और मटन स्टॉक से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा फ्लेवर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वींस एप्पल्स है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनको पील ऑफ कैसे करना है। हर क्वींस एप्पल को आपको 4 स्लाइसेस में काटना है और फिर आपको इसका सेंटर का जो सीड है वो रिमूव करना है और इनका कवर जो है वो पील ऑफ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीड काट निकाल दिया है इसका और जो इसका बैक है वो भी हम पील ऑफ करेंगे। जो इसका एप्पल का ऊपर वाला कवर है आप पीलर यूज़ कर सकते हैं या प्लेन नाइफ। सो मेक श्योर टू पील ऑफ द कवर। सो हियर यू कैन सी हाउ इट्स डन एंड आपको इसी तरीके से हर एक क्वींस एप्पल को करना है इनटू 4 स्लाइसेस डिवाइड एंड देन पील ऑफ एंड टेक आउट द सेंटर सीड पार्ट ऑफ इट। अब यू कैन सी आई हैव टेकन 4 to 5 क्वींस एप्पल्स हियर। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंगली क्वालिटी बताऊंगी एंड यू हैव टू वॉश देम। अब हमने एक कॉपर वेसल लिया है, आप एक फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं एंड यू हैव टू ऐड ऑयल एंड वेट फॉर द ऑयल टू बिकम हॉट। सो यू हैव टू कुक दिस क्वींस एप्पल्स ऑन मीडियम टू लो फ्लेम। उस तरह से सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएंगे वाइल फ्राइंग इटसेल्फ एंड यू डोंट नीड टू पुट दम इन द प्रेशर कुकर लेटर। द क्वालिटी ऑफ ऑयल डिपेंड्स अपॉन योर ओन चॉइस। अगर आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं यू कैन टेक मोर, इट्स टोटली योर ओन चॉइस। तो जब ऑयल गर्म हो गया होगा यू हैव टू ऐड 1 अनियन, आप हाफ भी डाल सकते हैं और 1 अनियन इज सफिशेंट। एंड नाउ यू हैव टू ऐड द क्वींस एप्पल्स। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द अनियंस टू फ्राई क्योंकि ये साथ में फ्राई हो जाएंगे। एंड यू कैन सी द कलर ऑफ द एप्पल्स इज चेंज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, नथिंग हैज बीन एडेड हियर। फिर प्लेनली कलर जो चेंज होता है एप्पल्स का वाइल वी कीप देम असाइड आफ्टर पीलिंग देम ऑफ, उसी तरीके से चेंज हो गया है। Now you have to fry them until they become light golden brown in color and they become soft. So you have to keep stirring them occasionally and you have to fry the apples. ये वाला प्रोसेस जो है इट मे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बट दिस इज़ द मेन कुकिंग पार्ट ऑफ दीज एप्पल्स। जो ये बमसूट है ये मोस्टली इसी तरीके से कुक होते हैं इसी में पैन में ही। अब हमने इसमें एक बड़ी चम्मच सॉल्ट का डाला है, 2 से 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और 1 छोटी चम्मच जीरा। अब गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हमने प्लेन गार्लिक क्लोव डाले हैं। एंड नाउ यू हैव टू गिव इट अ गुड मिक्स। तो जो ये बमसूट है ये मोस्टली फ्राइंग के दौरान ही कुक हो जाते हैं क्योंकि आपको ये टाइम लगेगा इनको फ्राई करने में बट दिस इज़ द मेन पार्ट। सो यू हैव टू वेट पेशेंटली अंटिल दे गेट फ्राइड। यू कैन टेक अ फ्राइंग पैन एंड फ्राई देम इन दैट एज वेल। तो जो सॉल्ट ऐड किया है उससे द वाटर विल लीव एंड they may get fried a little bit quickly. So you have to keep checking them after some time और आपको इनको stir करना है। ये fry हो जाएंगे they will reduce in size and you will get to know कि ये fry हो चुके हैं।
So here you can see that they are getting fried in this oil, and we have added zira and salt and garlic until now. And here you can see अब जो ये पमचूट हैं ये काफ़ी फ्राई हो गए हैं. अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच टर्मरिक पाउडर या हल्दी का पाउडर, एक छोटी चम्मच सौंफ या बादियां का पाउडर, एक छोटी चम्मच जिंजर पाउडर या शौंठ जिसको कश्मीरी में कहते हैं, फिर मिर्ची जाएगी इसमें एक बड़ी चम्मच, अब आपको इसको दो से तीन छोटी इलायची भी डालनी है इसमें, और अगर आप चाहे तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं एक. अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे सो दैट ये ऑयल जो है इसका टेम्परेचर लो वो डाउन हो. और अब हम मसाले इसमें फ्राई करेंगे. अब आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स किया है सो दैट जो स्पाइसेस अब ऐड किए हैं वो भी फ्राई हो जाए ऑयल पे थोड़ा. Now we will add the rest of the water. आपको वाटर तब तक ऐड करना है जब तक ना वो इन बमचूट या कुंस एप्पल्स को कवर करें. यू शुड नॉट ऐड अ लॉट ऑफ वाटर, मगर अगर आपके कुंस एप्पल्स दे आर हार्डर देन यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वाटर, बट इफ दे आर नॉट दैट हार्ड देन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड वेट जब तक ये वाटर एब्जॉर्ब ना हो और जो ये एप्पल्स हैं ये सॉफ्टर ना हो. नाउ यू हैव टू कवर इट विद द लिड and wait until the water reduces and then your quince apples will be ready. But yet again, agar aapke apples jo hain wo harder honge to aap zyada water add kijiyega. Usually we don't put them in pressure cooker, they will break down. Unko aise hi cook kiya jata hai. And now after removing the lid, here you can see that they are done. Inka jo pani hai wo absorb ho gaya hai kafi had tak. And we will serve them out hot. Usually we eat it with rice and they taste really good. You can eat it with your roti or naan or chapati. So please try this recipe and let me know how it turned out. Thank you for watching.